तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गेमिंग अनूप के एक और नए वीडियो पे। तो इस वीडियो पे हम आज को दिखाने वाले हैं आप डायमंड फोर से हीरोइक टू स्टार्ट कैसे कर सकते हो। मतलब ये तो नहीं समझा सकते, अब तो ब्लास्ट होगा तो वही होगा ना। तो इस मैच पे मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा तो कहीं कोई यूट्यूबर देगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो मेरे चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाला बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना करें, ठीक है। तो इधर पे जो है क्रैश लैंड थोड़ा सा हो जाएगा, तो हम जो क्लॉक टाइप उतर रहे थे तो वो किसी के पास फैल को नहीं था, इसलिए हम पहुँच ही नहीं पाए। तो इस मैच पर मैं आपको दिखाऊँगा आपका, अगर आप अगर स्क्वाड पर गेम खेल रहे हो और आपका तीनों मतलब टीममेट्स अगर मर जाए तो आपको क्या करना है और आप कैसे आखिर तक जिंदा रह के मैच को बुझा या फिर टॉप थ्री करवा सकते हो, ठीक है। इधर पे मेरे को गन नहीं मिला था तो इधर पे मैं विमान शक्ति की तरफ भागे जा रहा था, लेकिन इस घर से भी कल्याण ने जो है गन चुरा लिया था, ठीक है। तो इधर पे भी गन नहीं मिला मेरे को, तो मैं जो ऊपर पे जो छोटा घर होता है ना उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, उधर पे अगर कुछ गन मिल जाए तो अच्छा होगा। तो समझ ही सकते हो, तो उधर पर देख ही सकते हो क्या ही फाइट चल रही है। तो हम भी रस करके ही खेलते हैं तो आप लोगों के लिए तो जो है पुशिंग वाला वीडियो लाया, तो कैसा लगा ज़रूर बताना टिप्स एंड ट्रिक्स वाला। तो इधर पे मेरे को एक फेमस और एक छोटा जो यूजी होता है ना वो मिला, ठीक है। तो यूजी भी अच्छा है शॉर्ट रेंज पे, तो एक बंदा हमारा गया, एक और फेमस भाई, दो फेमस लेके मैं क्या करूँ। तो देखते बंदे लोग किधर है, किसी को अगर देख पाऊँ तो मार दूंगा। किधर है भाई, इधर पे तो नहीं दिख रहा कोई भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो नीचे वाले घर पर जाके देखते हैं इधर पर क्या कोई है। EMP मिला, चलो एक EMP मिल चुका है, शॉर्ट रेंज वाला गन, बहुत ही ओपी। और कार 90Z फार्मास तो मेरे को चलाना नहीं आता, कार 90Z उठा लेते हैं। चलो चलो भाई चलो, ग्लूवाल मिलेगा क्या, चलो एक बेस्ट मिल जब मिल गया। ये चाकू उठा लेते हैं क्योंकि चाकू से जो डैमेज बढ़ाने का निंजा ट्रिक है। इधर पे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ एनिमी को ढूंढने, ठीक है। तो तभी क्या होता है देखो, इधर पे एक बंदा था जिसने कल्याण या फिर किसी ने मार दिया होगा शायद से। चलो देखा कैसे डैमेज बढ़ा लिया, तो डैमेज जो है ज़रूर से बढ़ा लेना तुम लोग। अगर नहीं मार सकते तो किसी और का डाउन को भी ऐसे चाकू वगैरह मार के डैमेज बढ़ा लेना, क्योंकि जो डैमेज का मैटर है, पूरा डैमेज का मैटर है। अगर आप 2000 डैमेज दे देते तो आपको 19 या 20 बैटल स्कोर मिलता है। तो बैटल स्कोर ही तक का तो खेल ही है भाई, रैंक स्कोर तो इतना देता नहीं। तो बैटल हीरो उठने के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो बैटल स्कोर का ही खेल है। बैटल स्कोर अगर आप फुल लेते हो तो भाई आपका बहुत प्लस होगा। तो इधर पे लूसीफर मेरे गाड़ी पे बैठ चुका है और इधर पे मैं देख रहा था किधर जाऊँ, तो हमारा जो बंदा मर गया है तो इधर पे क्या सीन होगा देखना आप लोग। तो मैं जो हैंगर पे जो हार्ट है तो उस हार्ट पे जाके रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ इधर पे, क्योंकि टोकन वगैरह कुछ तो था नहीं मेरे पास। तो इधर पे मैं हार्ट पे जाके रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ। इधर पे देखो गाड़ी वगैरह लेके, इधर पे मेरे पास जो ग्लू वॉल भी नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए मैं गाड़ी लेके आ गया, उधर पे मशरूम भी खा रहा था और इधर पे ऐसे घूम भी रहा था, मतलब रिवाइव भी हो जाए और समझ सकते हो और मेरा कुछ भी नहीं जाए। तो देख ही सकते इधर पे रिवाइव आप जैसे ही करो थोड़ा ध्यान से करना। अरे दे मैं गलती से जो है हार्ट के बाहर चला गया और बहुत तक कम गया, तो यही दिक्कत है। अगर एक सेकंड के लिए भी बाहर निकला ना तो भाई बहुत ही कम जाता है ये वाला। तो अबे भाई कौन मार रहा है भाई, रोलैंडो लगा भाई। कार 90 चलाया लेकिन दिखाई नहीं दिया, और नहीं रुक सकता भाई, मेरे पास मेडी भी नहीं है। तो बचाना क्या भाड़ में, पहले अपनी सेफ्टी है, खुद बचोगे तभी तो किसी को बचाऊंगा ना। एक शॉट ओड़ा बंदा सामने, एक शॉट दिया, आजा भाई कार 90। एक और आ रहा है, इसको भी एक शॉट 121 विशाल ने मार दिया लगता है। चलो कोई ना, विशाल ओपी बोलते किल चोरी करते। तो इधर पे दो बंदे को लगता है विशाल ने ले लिया, तो डेंजर जोन है, घर के अंदर जाना पड़ेगा, डेंजर जोन है भाई। अगर सिर पे गिर गया तो भाई डेंजर जोन पे कभी भी खुले में मत रहना, क्योंकि डेंजर जोन अगर सर पे गिर जाए तो आप ख़त्म। तो एक ही पड़ेगा, वो कोई बात नहीं, दो भी पड़ सकते लगातार। तो मेरे पास मेरे बार जो है बहुत बड़े सब हो चुका है, तो एक बार डेंजर जोन गिरा डाउन हुआ, उसके बाद एक और बार डेंजर जोन गया पूरा क्लियर। तो गाइस इधर पे जो है सारे बंदे को मारने के बाद मेरे को लगा कि टोकन वगैरह मिलेगा तो हमारा बंदे को बचाऊंगा। तो इधर पे उसी बात पे जो कल्याण भी मर गया, तो इधर पे एक और टोकन मिला, मैं और भाई विशाल भी गया देख सकते हो। तो मैं सिर्फ एक लौंडा बच गया,
तो मेरे को जो है सर्वाइव करना, अभी भी 23 बंदा अलाइव है, टॉप 2 या फिर टॉप 3 नहीं तो बुइया करवाना है भाई अपना, मतलब समझ ही सकते हो। तो प्लस तो करवाना ही है, माइनस तो नहीं करवाना। तो इसी बात पे जो है, तो बंदे अच्छे बंदे भी नहीं आए थे उतना, लेकिन सर्वाइव करना आखिर तक वो ही मैटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिधर पर भी फाइट वगैरह हो तो उसको जो इग्नोर करना है और आगे की तरफ चले जाना है। तो देख के जाना है, ऐसे आँख बंद करके नहीं जाना, नहीं तो एनिमी के सामने एकदम जाके पड़ोगे। तो मेरे पास जो मेटी भी नहीं है ज़्यादा, एक इनहेलर वगैरह मिल जाए तो खा लूँगा, तो समझ ही सकते हो। तो इधर पे मैं जाके रेमनाम के तरफ जाने की कोशिश, जाके जो है थोड़ी कॉइन वगैरह ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस जोन जो है आ गया था, इसलिए तो मैंने पूरा तो रेमनाम नहीं लूटा, लेकिन सामने वाला हिस्सा ज़रूर से लूटा। तो मेरे को जो एक भी टोकन नहीं इधर पे देखने को मिला। तो मेरे पास मतलब एक टोकन मिला था, दो टोकन था और एक मिला था, तीन हुआ था, लेकिन चार नहीं हुआ। तो चार टोकन नहीं होगा तो भाई रिवाइव कैसे दूंगा, समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो क्लॉक जोन पे जोन की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो जोन भी स्टार्ट हो गया था सेकेंड जोन। तो इधर पे जो है अगर मैं रुक जाता तो मेरे ऊपर से चला जाता जोन और मैं पकड़ नहीं पाता। तो आप लोग समझ ही सकते हो मेरे पास जो मेडिकेट भी नहीं था, एक ही मेडी था, ठीक है। तो इधर पे मैं धीरे धीरे बाड़ी सब मतलब ये सब घर वगैरह थोड़ा थोड़ा घुस के लूट के मतलब जाने की कोशिश कर रहा था। तो जोन पे जाके देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप जब भी आप अकेला बच जाओ तो आपको जो है हमेशा जोन के साइड से जाना पड़ता है, मतलब जाओगे तो क्या होगा कि आपको जो है कोई भी मतलब पीछे से नहीं मार सकता। जोन के बाहर से अगर मारे तो कोई और बात है, लेकिन आपको पीछे से और कोई नहीं मार सकता। तो इधर पे जो पत्थर था तो मैंने सोचा इस पत्थर के पीछे थोड़ी देर बैठूं और जोन के बाहर से अगर कोई आए तो इसको K90Z का एक फटका दूं। तो इधर पे मैं देखता हूँ एक बंदे को वहाँ पर जाके लूटता है, तो जो ऊपर था वो जो पोस्ट है ना उसके तरफ, तो इधर पर देख ही सकते हो एक और बंदा जो जोन के बाहर से आ रहा था। भाई कहाँ जाएगा इसको, देखा भाई जोन के बाहर था, जो थर्ड जोन था, ठीक है। तो बहुत डैमेज तो बहुत ही देता है जोन पे, मेरे को पता है। तो एक शॉट मारा K98 का और बंदा ख़त्म। तो मेरा बाउंटी अभी अभी खुला है, लेकिन मैं उसको लूट भी नहीं कर पाऊँगा। तो इधर पे देख सकते हो मेरा जो एक किल है, और मेरा जब चार किल या फिर तीन चार किल जब तक नहीं हो जाता तो मेरे को जो है अच्छा खासा प्लस नहीं मिलेगा। तो मेरे पास थे दो गुलवाल और नसीब देखो भाई सामने आ गया ये वाला गुलवाल का पट्टा, तो इसको यारसिप बोलते। तो मैं जो एक गुलवाल मर के गया और इधर पे चार गुलवाल ले लिया, तो फ़ायदा हुआ तीन गुलवाल का और मेडिकेट भी था, तो मेडिकेट भी ले लिया थोड़ा एमओ फेंक के, SMG एमओ फेंक के। तो इधर पे जो मैंने एक बंदे को उधर पे मार दिया था और इधर पे मैं जोन की तरफ जा रहा था। इधर पे आप साइड से आप देख ही सकते हो, अभी के टाइम में जो है फाइट नहीं करना है, सेफ होगा तो आपको जो है सही से जो जोन पकड़ लेना है और लास्ट में जो भी बंदे होगा तो लास्ट में फाइट करना है और किल ले लेना है, ठीक है। तो किल नहीं लोगे तो आपको बैटल स्कोर तो मिलेगा ही नहीं, और पहले अगर आप फाइट करोगे तो आपको मरने की भी डर होता है। तो इधर पे 14 बंदा लाइव है, अगर मैं अभी मर जाता हूँ तो अभी भी मेरा माइनस होगा, क्योंकि मेरा जो स्कोर है 4500 या फिर 600 होगा, वैसा ही कुछ होगा स्कोर, ठीक है। तो वो इसी वैसे स्कोर पे तो आप माइनस होगा, आप लोग को पता ही है। आपका अगर डायमंड वगैरह स्कोर है तो वहाँ पर जो प्लस हो जाएगा, तो ऐसी दिक्कत वाली प्लस होना ज़्यादा मैटर नहीं, ज़्यादा प्लस लेना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो बना के देता हूँ और आप लोग को देख के कोशिश करना कि मैं जो वीडियो पे बोलता हूँ वो गेम पे सही से अप्लाई करने का, ठीक है। तो इधर पे देख ही सकते हो जोन जो है सामने की तरफ है, और इस वाले घर पे जो बंदे हैं इधर पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा स्क्वाड है। मैं अगर मारता हूँ तो ये लोग मेरे को एकदम काट डालेगा, तो समझ ही सकते हो। आपको क्या करना है, जोन जो है नीचे है, ठीक है, नीचे जो छोटा घर है ना उसके आजू बाजू में जोन है, आपको जो है छुपके से वो वाले मतलब घर के आसपास चले जाना है, ठीक है, छुपके से जाना है। आपको किसी का भी फायर नहीं करना है। अबे कौन घंटा बजा रहा है बाजू में, हट यार, क्या ही बोले भाई, घर पे साला ध्यान से वीडियो भी नहीं बनाते दे रहा लोग, क्या ही बोले साला, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो नीचे भी बंदे, मैंने सोचा कि नीचे जाऊँगा लेकिन नीचे उस घर के बाजू में ही बंदे, तो ऊपर भी बंदे। आपको क्या करना है, सही से देखना है आखिर तक देखना है, उसके बाद ही निकलना है, आपका डिसीजन लेना है। तो आप एक डिसीजन ले लेना कि ऊपर पे रहोगे तो चारों तरफ से पड़ेगा, लेकिन अब नीचे जाओगे उस घर पे आसे पास में वहाँ पे बहुत सारा परमानेंट गार्ड है, तो गाड़ी वगैरह है उसके पीछे भी आप रुक सकते हो। तो मैंने सोचा कि नीचे जाएंगे और उस वहाँ पे बहुत सारे गार्ड है तो उसके पीछे स्टे करेंगे, मतलब छुपेंगे, समझ सकते हो।
तो यहाँ पे जोन जो आ रहा था तो मैं यहाँ से जो है निकल पड़ता हूँ नीचे की तरफ, तो जोन जो है पीछे आ ही गया, समझ ही सकते हो। जोन के साथ ही साथ ही आपको जाना है, क्योंकि समझ ही सकते हो कितनी बार बोलूँ एक बात तो आप लोग को तो पता ही होगा, मैंने बोल दिया। तो इधर पे जो है सामने की तरफ गाड़ी के पीछे बंदा है, तो मैं जो है सीधा जाके फिर गाड़ी पे, भाई इधर पे जोन नहीं उधर पे वार्निंग देख तो आप रेड हो चुका है, इधर पे जो जोन नहीं है। तो भाई भाई सामने दो तीन बंदे, क्या पूरा स्क्वाड है क्या पता नहीं, सामने दो बंदे, भाई ये बंदा देखो भाई मेरे सामने ही है, तो आपको वैसा करना है एकदम मारना है एकदम हेड पे, ठीक है। तो मेरा टीममेट बोल रहा कि सर पे एम करके मार दे, तो ये मेरे को अच्छे से मारना नहीं आता, तो इसीलिए बंदा जब खड़ा था तो मैंने ऐसे ही उधर पे ड्रैग करके जो है बंदे को इजीली मार दिया। तो आप जैसे भी करके माथे पे एम करके भी मार सकते हैं। तो एक बंदे को मार दिया और उधर पे दूर पे एक बंदा है लगता है, और ऊपर पे एक बंदा है, तीन बंदे अलाइव है। तो इस मैच को जो है बुइया ही निकालना है, क्योंकि मेरे पास जो है चार पाँच ग्लूवाल है, तो ग्लूवाल की कमी नहीं है और वेस्ट हेलमेट भी ठीक ठाक है, लूट वगैरह सही से है। तो इस मैच को जो है कैसे बुइया निकालना है आप फिर आखिर तक ज़रूर देखना। इतना वीडियो देख लिया तो एक और मिनट देख लो, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो इधर पे किसका लैंड माइंड है तो फोड़ देना अच्छा होगा। तो इधर पे दूर पे एक बंदा, मतलब ऊपर से एक बंदा उतरेगा, और इधर पे मेरे सामने एक बंदा, समझ ही सकते हो तीन बंदा लाइव है। तो बंदा देखो भाई उतर रहा है, मैं कार 98 के मारने की कोशिश कर रहा लेकिन चला वो हुकम हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट पे जो है मेरे हाथ पे मरेगा। जाएगा किधर बच के भाई, नीचे आ, तेरे लिए मैं तो रुका हुआ हूँ, आ जा बस भाई। किधर गया उकोंग, आए देखो भाई उकोंग से जैसे ही इंसान हुआ तो एक कार्नेट का फटका और बंदा ख़त्म। तो मेरे पास है MP5, तो एक दो ग्रेनेड थे, मैं जो है फटाफट ग्रेनेड कर देता हूँ। तो आपको जो है आपको अगर अच्छे से ग्रेनेड फेंकना आता है तो भाई अच्छे से फेंकना। तो इधर पे मैं जो इजीली मार दूंगा, मेरे पास रोलैंडो भी था, इसलिए जो है मैं कॉन्फिडेंट होके सारा कुछ जो भी था वो सब फेंक दिया। तो समझ ही सकते हो सिर्फ ग्लू वाल ही रखूँगा। तो आजा भाई, उस ग्लू वाल के पीछे है, वाइट वाला ग्लू वाल के पीछे बंदा साला नेट कर रहा है शायद से मेरे को। भाई तेरा नेट के उतना पावर नहीं है भाई, निकल बाहर है देखो भाई नेट क्या। तो मैंने जो एक एसिड फेंका और एसिड पे जो डैमेज भी गया। तो अभी जो है आपके पास अगर रोलैंडो है तो आगे जाना है, रोलैंडो लगाना है और ऐसे चलाना है। तो ओपी वाला हेड देके मैंने जो है मैच ख़त्म कर डाला और मैंने जो है बुइया निकल डाला। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था, आप बताना इस वीडियो से आपको कुछ अगर सीखने को मिला है तो ज़रूर से कमेंट में बताना। तो सभी को हैप्पी दिवाली, तो दिवाली अच्छे से मनाना आप लोग। तो दिवाली आ चुका है हमारा, काली पूजा, तो एक दो दिन वीडियो नहीं आ सकता, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा वीडियो लाने की। तो लो भाई, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।